स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है कि समीकरण किस तरह से समझना है, किस तरह से बनाना है। तो हम तो यहाँ पर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम पर ही बात करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा कि किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले तो वही क्या है मानना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं। अगर कुछ जो निकालना है उसको मानना पड़े, तो माना कि क्या मान लेगा, माना कि धनात्मक गुणांक जो है वो क्या है, वो हमने यहाँ पर एक्स क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि दो गर्माकर धनात्मक गुणांक ज्ञात कीजिए। इसलिए हमने माना कि पहला धनात्मक गुणांक जो है एक्स है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहता है, कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी कि दूसरा ज्ञात करना होगा तथा दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्रमागत का करने का मतलब है क्रम में, यानी कि अगर एक है तो दो होगा, पांच है तो छ होगा, यानी कि अगला, ठीक है ना। क्रमागत मतलब लगातार, वो लगातार अगर पता होता कि कहाँ से शुरू है तो आंसर आप ही के पास था, हमारे ही पास था, तो सवाल ही नहीं बनता। परंतु वो ये संख्या कहाँ से शुरू है वही पता नहीं, इसलिए हमने एक्स माना। इसकी अगला संख्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। क्लियर, अब कह रहा है क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार कह रहा है ये कि आप इनके वर्गों का योग कीजिएगा ना, तो 365 आएगा जो भी संख्या है। तो उनके वर्गों का योग यानी कि पहला जो संख्या है उसका वर्ग और दूसरा जो संख्या है उसका वर्ग का योग, योग मतलब जोड़, क्या होता है 365 होता है, यही कह रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों का वर्गों का योग किया और बराबर में इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर, एक्स को यानी कि स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी का वर्ग स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपने या तो उसको दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिए या ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर लीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस डी स्क्वायर। तो एक जगह पर हमारा क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक जगह पर क्या है एक्स, बी के जगह पर क्या है एक प्लस डी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है एक, तो एक स्क्वायर। क्लियर, बराबर में कितना रखना है 365, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। अब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, दो गुणे एक दो एक्स, एक का स्क्वायर एक भी होता है प्लस में, और इसका लिया जाएगा तो 365 माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इसका जात नहीं है और इधर आ जाएगा माइनस में 364 बराबर में जीरो। अब देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा बड़ा है और बड़ा में भी ये कॉमन है, तो हम इसको हटा सकते हैं, यानी कि दो कॉमन करके उधर भेज दीजिए, दो से जीरो में भाग कर दीजिए या दो से सब में भाग कर दीजिए। दो से अगर सब में भाग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 18 × 36 और 2 × 4 ये आ गया आपका समीकरण बनकर तैयार हो गया। क्लियर, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं ना हुआ। अब इसको हल करना है, किसी भी विधि लगा करके आप इसको हल कर सकते हैं और आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाइएगा, इसको तोड़िएगा, आराम से आंसर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जवाब देंगे। सभी इक्वेशन को एक साथ, दो तीन इक्वेशन को एक साथ मैं सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नए चैनल पर है तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ जाइएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।